अच्छी बात है, मिस इंडिया यूनिवर्स 2018, तुषार जी, मनीष जी, अर्चना जी, इनको मेरी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इन लोगों ने इस इवेंट के बारे में सोचा, क्योंकि हमारा समाज जो है, वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और यहाँ पर अगर, और हम सभी इस बात को जानते हैं, जिस घर में औरत प्रमुख होती है तो वो घर तरक्की करता है, जिस मर्द के पीछे औरत होती है वो तरक्की करता है. सो इफ़ द वुमन ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग, द हाउस प्रॉस्पर्स. तो अगर औरतों को हम इसी तरह एम्पावरमेंट देंगे, एनकरेजमेंट देंगे, आई एम श्योर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा. एंड जो क्राइम इस समय, खास तौर पर आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं जब हमारे देश में औरतों के विरुद्ध क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारी लड़की जो है, हमारी वुमेन जो है, वो पावरफुल रहेगी, तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री. एंड आई एम श्योर यही शुरुआत है. अब ये इस स्टेज पर अगर आप कहेंगे कि मैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं देश की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत छोटी होती है, वो अंत कहाँ पर होगा ये हम नहीं जानते. बट एट दिस टाइम मैं आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दिस रियली बिकम्स अ बिग वेंचर. थैंक यू. लास्ट ईयर भी मैं इसी तरह के इवेंट पे आया था, पर चूंकि जो बेसिक थॉट है वो इतना अच्छा है, कॉज इतना अच्छा है कि इसको आके यू फील गुड, यू फील प्राउड टू एसोसिएट विद. और जिस तरह से ये इवेंट है, इस तरह के इवेंट के इनिशिएटिव लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हमारे राकेश जी सबरवाल साहब बहुत एंथुजियास्टिक प्रोड्यूसर हैं, तो ये इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं. और हमारा तो हमेशा जो इस कॉज पे कोई कुछ भी होता है उसके लिए तो ऑलवेज भी आते हैं. तो आपको लगता है ये बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो हाउसवाइफ्स हैं? जी बिल्कुल. आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये छोटा और बड़ा, क्योंकि वो बड़ा अपने आप होगा ही होगा, प्रयास आपका हमेशा रहना चाहिए. तो जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि इस तरह के इवेंट्स और इनिशिएटिव्स जो हैं, दैट लीड्स टू यू टूवर्ड्स अ गुड कॉज, तो वो बड़ा हो ही जाएगा. अच्छा कॉज तो बड़ा होगा ही होगा. आई थिंक अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस फॉर स्पेशली मैरिड वुमेन इज अ वेरी यू नो, बहुत ही एक कॉन्फिडेंस देने वाला और एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी वाला एक प्लेटफॉर्म है. बिकॉज सम मोस्ट ऑफ पीपल यू नो दे हैव दिस बिलीफ कि शादी के बाद औरतों की लाइफ ख़त्म हो जाती है, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेज वेयर दे कैन गो हैड एंड जस्ट यू नो feel confident even after getting married and taking care of kids and having babies and you know feel being confident in however they look even now, because I think there is no criteria of having you know a contestant over here. There's anyone can participate, whoever feels they're confident and beautiful within and out, like. So I think ye bahut hi acha ek initiative hai, and the last event that we had in Jaipur, I had specifically mentioned it over there as well ki ye bahut acha move hai. Because you know, at times you know you lose self confidence when especially women who get married and they feel ki ab to hum achhe nahi lag sakte ya, ab hamari life nahi hai. But I think this is just another way of you know help making them realize that you know there is lot more, see ki through itni opportunities unko mil sakti hai that can change their lives. So what is the mindset being changed for the last 100 years? Nowadays I think definitely it has changed over these years, and because एक time था जहाँ पर शादी ही main motive होता था एक लड़की का 18-19 साल के बाद, and उसका आगे की जो aim था वो था बच्चे संभालना और घर संभालना, but wherein even that is a job for a woman. And there have been times where you know now जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी ऐसा टाइम आया है जहाँ पर औरतों ने उससे हटकर चीज़ें करना स्टार्ट की है. दे स्टार्टेड वर्किंग, दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर करियर्स, दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स व्हिच दे कुड नॉट डू बिफोर मैरिज. एंड यू नो आई थिंक वी शुड दे शुड ऑल्सो थैंक देयर हस्बैंड्स, बिकॉज वो उनके हस्बैंड को इतना समझते हैं कि वो करने देते हैं उन्हें. एंड जो ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स दीज टाइम्स हैव चेंज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव एंड इट्स क्वाइट यू नो I would say I feel very happy when I see women succeeding, especially married women and single mothers who do it all on their own. And it feels really good ki hamare country mein bhi ab you know we have moved ahead, we're still not there, and but there are some parts as well that we still have to work on, but it's just a first step. I think we have a lot more to work on. Thank you.
अर्चना जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे साड़ी के बारे में जानना चाहेंगे। बड़ा खूबसूरत लग रहा है आपका साड़ी, कोई डिजाइन किया है स्पेशल मंगवाया कहीं से? सर एक्चुअली मैं खुद ही एक डिजाइनर हूँ और मेरे जितने भी ड्रेसेस होते हैं खुद के डिजाइन किए हुए थे। और कुछ बताया ना इसके बारे में, कहाँ से बनाए थे? तो एक्चुअली ने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे एंड शी ट्राइड लॉट ऑफ ड्रेसेस एंड उनको रेड पसंद आया तो उन्होंने रेड पहन लिया अपने मुंह के साथ। करेक्ट। मैं मिसेस इंडिया में भी जज थी एक, तो मैंने पूरा के पूरा पेजेंट एक्सपीरियंस किया है एंड सारे कंटेस्टेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही टैलेंटेड थे और बहुत ही करेजियस थे, बिकॉज आज भी हमारी कंट्री में मिसेस इंडिया जैसा कॉन्टेस्ट करना और उसके लिए इतने सारे कंटेस्टेंट्स दूसरी दूसरी स्मॉल टाउन से भी इकट्ठा करना जिनके फैमिलीज उनको सपोर्ट करें उनको, तो आई थिंक दैट इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और ऑफकोर्स जो बेस्ट कंटेस्टेंट्स थे दे वन ऑल्सो एंड अब ये मिसेस यूनिवर्स का है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिन्होंने भी ये अचीवमेंट की है वो और आगे जाएंगे एंड दे विल अचीव इवन मोर। नहीं नहीं मैं इसी साल के मिसेस इंडिया पैजेंट को जज किया था, नॉट पिछले साल के। इन्होंने हमारा पहला पैजेंट किया था, आज इज मिसेस इंडिया जज, नाउ शी इज लाइक अभी हमारा मिसेस इंडिया यूनिवर्स है। या सो मैंने अभी आई थिंक 15 डेज बैक ओनली व्हिच वाज हेल्ड इन जयपुर क्लार्क्स होटल में हुआ था, तो वहाँ पर आई वॉज वन ऑफ द जज एंड द पेजेंट वॉज रियली गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटैलिटी वाइज अरेंजमेंट्स एवरीथिंग वॉज सुपर्ब और मोर देन एक्सपेक्टेड इन फैक्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड अर्चना ऑल्सो फॉर दैट दैट यू नो यू गाइज पुट अप अ वेरी गुड शो टुगेदर, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज ऑल्सो एंड ऑफकोर्स द कंटेस्टेंट्स अगेन वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ गुड इवेंट। तुषार सर मेरा सवाल आपसे है चलते चलते जी, आप मिसेस इंडिया ही क्यों करते हैं, मिस्टर इंडिया क्यों नहीं करते? सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरी पार्टनर जो है ना वो खुद एक मिसेस यूनिवर्स है, तो वो भी उनकी गलती है शायद, वो मिसेस थी और उन्होंने मिसेस यूनिवर्स किया और उन्होंने आगे मिसेस का ही शो करना पसंद किया, तो इसलिए शायद हम लोग मिसेस यूनिवर्स मिसेस इंडिया या मिसेस इंडिया यूनिवर्स करते हैं। शादी के बाद तो फिर किसके चलती है बात, थैंक यू। वेरी पॉपुलर सिंगर एंड स्पेशली अमंग फीमेल्स, ही इज अ हार्टथ्रॉब, so a very warm welcome to Mr. Yash Vadali. I think before we start, can we have a few lines please? No, I think we'll start because all girls are waiting out here to hear your voice out. Yeah, see, I can hear already the crowd over here. हाँ जी, हेलो हेलो, माइक की रेंज नहीं आ रही, इच्छा हो यार क्या गाऊं यार, मुझे कुछ सजेस्ट करो, कुछ भी गा दो, ठीक है। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कल्लिया जी नहीं लगदा, साडा कल्लिया जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, बिरले आया दिल मजबूर क्या कीजे, विरास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा इसे मुकम्मल कर दिया, वो जो अधूरी सी रात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स का ये सेकंड सीजन है, फर्स्ट सीजन हम ऑलरेडी उदयपुर में कर चुके हैं कैसल मेवाड़ में, इसमें हम लोग इंटरनेशनली कंटेस्टेंट को लेते हैं, जो इंडियंस वुमेन हैं जो बाहर रहती हैं उन वो लोग हमारे आती हमारे पेजेंट में आती हैं, उनका ऑडिशन होता है और 5 राउंड से उनको निकलना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया और मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा?
बेसिकली क्या था, अर्चना तोमर खुद एक मिसेस यूनिवर्स है, इनका टाइटल है मिसेस नॉर्थ सेंट्रल एशिया। तो जब ये वो टाइटल वहाँ से मिसेस यूनिवर्स चाइना से जब ये जीत के आए, तो उनके बाद इनको खुद लगा, बिकॉज शी इज़ अ सोशल वर्कर, तो बहुत अच्छे इस तरीके के काम करते हैं, तो उनको लगा कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके के प्लेटफॉर्म के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया। राइट मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बिकॉज एक हाउसवाइफ को घर से निकलने में बहुत तकलीफें होती हैं, उनको अपनी फैमिलीज मैनेज करनी पड़ती है, उनको अपने बच्चे मैनेज करने पड़ते हैं, तो हर चीज़ को मैनेज करके बैलेंस करके आगे बढ़ना, तो उन लोगों को बस यही चीज़ सिखाई जाती है कि अपनी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। सर आप क्या कहना चाहेंगे पेजेंट के बारे में? बस यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू महिलाएँ जो कुछ करना चाह रही हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ। प्लेटफॉर्म तैयार है, एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार फिर आ रहे हैं, तो इंटरनेशनली इंडिया से तो आ ही रही हैं वुमेन, मैरिड वुमेन, इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज, मतलब बाहर से फॉरेन कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, तो कोशिश यही है कि उनको उनके एक पाथ मिले, राइट पाथ, तब उनको जो करना है उसके लिए। लास्टली कितने कंटेस्टेंट होंगे इसमें और किस तरह से उनका चुनाव किया जाएगा? इसमें हमारे सम ऑफ अराउंड 40 कंटेस्टेंट रहेंगे और हमारे इसमें दो कैटेगरी है, एक हमारी प्लैटिनम कैटेगरी है जो 20-35 है, एक कैटेगरी हमारी गोल्ड कैटेगरी है जिसका 35-50 है, दोनों कैटेगरी में 20-20 कंटेस्टेंट रहेंगे। और अपार्ट फ्रॉम इंडिया इसमें 15 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो उनके सिटी ऑडिशन या कंट्री ऑडिशन के बाद वो लोग इंडिया आएंगे। इंडिया में हम लोग इसके 20 सिटीज़ में ऑडिशन कर रहे हैं और हमारे ऑडिशन के 3 प्रीमियर लेवल राउंड हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है, कैटवॉक राउंड है और टैलेंट राउंड है। जी सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं यही बोलना चाहूँगा मिसेज इंडिया यूनिवर्स का आज सेकेंड एडिशन का जो ओपनिंग हो रहा है, सो आज लॉन्च है इसका। तो मुझे जितना पता है कि मैं लास्ट टाइम उदयपुर में जो लास्ट टाइम फिनाले हुआ था वहाँ मैंने परफॉर्म भी किया था उदयपुर में और वहाँ मैं था भी, एज ए जूरी भी था, सो हमने बहुत फन किया। बट उससे पहले जो ये बात है जो हमें नहीं पता कि ये बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे, ये तुषार भाई अलीवाल बहुत मेहनत करते हैं, सारे कंटेस्टेंट को बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये एक अच्छी बात भी है जो मैरिड वुमेन है जिनके पास लाइफ का सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनको बहुत मोटिवेट मिलता है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया आइडिया और बेस्ट विशेस टू होल टीम। कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे आज अच्छा ठीक है, मेरा अभी 1 जून को मेरा एक सॉन्ग आ रहा है इंट्रोवर्ट, सो अभी अनरिलीज है, बट मैं आज उसकी दो लाइनें गा देता हूँ यहाँ पे। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिल जुल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिल जुल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीडिया। So we have a beautiful singer Chitralekha Sen in front of you. So today is Mrs. India Universe Grand Launch. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादीशुदा औरतों के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एंड जो औरतें कुछ नहीं कर पाती है शादी के बाद, उनको करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। और आई थिंक मैं भी ये चाहती हूँ जब मैं शादी करूँ ऐसे प्रोग्राम्स आते रहे लाइक। सो थैंक यू। मैरिड वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और वुमेन एम्पावरमेंट जिस टाइम बात की जा रही है उसका, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। या बिकॉज कुछ वुमेन्स नहीं कर पाती है, कुछ शो नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है, सो उनको एक मौका मिलेगा आई थिंक, कि उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शादी के बाद कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो
जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनको रास्ते नहीं मिलते आगे बढ़ने के, तो वो अपने सपने दबा देते हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म के सामने आने से उनको एक पावर मिलती है, जो इनर पावर होती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं और स्टेप बढ़ाते हैं। क्योंकि आप एक सिंगर हैं, कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें आज जो यहाँ पे महिला आने वाली है तो? श्योर, मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है, सो मैं बहुत ज़्यादा वो मतलब हर जगह वही गाती हूँ। आई थिंक ये लाइक जो चंचल गर्ल्स होती है, जो लाइक इधर उधर घूमती रहती है, मस्ती में रहती है, तो उनके लिए और मेरे लिए भी मैं मोस्टली यही गाना गाती हूँ। क्यों हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्ते पे नंगे बावरे, चल भटक लेना बावरे, क्यों ना हम तुम तराशे बगीचों में उल्फत भरी छावरी, चल भटक लेना बावरे, इन टिमटिमाती निगाहों से, चमचमाती अदाओं से लुके हुए छुपे हुए, क्या तेरा हाल बाबरे। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।